गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं कि आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक है फिर नहीं है, ये चीज़ आप कैसे पता कर सकते हो। देखो यार, आपको कहीं पे भी जाने की नीड नहीं पड़ेगी, आप अपने मोबाइल से भी इस चीज़ का पता लगा सकते हो। तो अपन को कैसे क्या प्रोसेस करनी है वो आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो आपको अंत जरूर देखना है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी हेल्पफुल भी होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूं। तो आज का ये वीडियो अपन यहां पे बिना टाइम वेस्ट करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि जो आपका पैन कार्ड है वो आधार से लिंक है फिर नहीं है, ये चीज चेकआउट करने के लिए अपन यहां पे मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं एंड जो भी प्रोसेस है वो मैं आपको समझा देता हूं। सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कोई सा भी आपको मोबाइल के अंदर ब्राउजर आपको ओपन कर लेना है। जैसे कि अभी मैंने क्रोम ब्राउजर मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद में आपको सर्च बार के अंदर चले जाना है। सर्च बार के अंदर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा इनकम टैक्स, ठीक है, ये आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, सर्च करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अपन को एक सेकंड वेबसाइट देखने को मिल जाएगी, ये वाली, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से आपको देख लेना है। तो सबसे पहले आपको इसी वेबसाइट के ऊपर आपको क्लिक कर देना, जैसे आप क्लिक कर देते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा अपन को इसको स्क्रॉल डाउन कर देना। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सबसे पहले यार जो आपका पैन कार्ड है वो ऑन है फिर नहीं है, सबसे पहले अपन को चीज़ तो पता होनी चाहिए कि भाई मेरा पैन कार्ड ऑन है नहीं है, क्या पता आपका पैन कार्ड बंद हो। तो सबसे पहले अपन ये चीज़ जानेंगे कि आपका पैन कार्ड ऑन है फिर नहीं है। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे पैन कार्ड को अपन वेरीफाई कर लेते हैं। तो कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके अंदर सिंपल सी प्रोसेस है, आपको इस ऑप्शन के ऊपर आपको चले जाना है, ये वाला वेरीफाई योर पैन। तो अपन को यहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे आप क्लिक कर देते हो तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अपन को वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आज जो ये वेबसाइट है काफ़ी बिजी रहती है तो अपन को थोड़ा सा तो वेट करना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अपन को, तो थोड़ा सा मैं फिर से वेट कर लेता हूँ, वेट करने के बाद में इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। अब अपन को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे ये जो अपना पैन कार्ड है उसको अपन को वेरीफाई करना है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको अपना पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, इसके बाद में जो पैन कार्ड के अंदर जो आपके नेम है वो अपन को देना पड़ेगा, इसके बाद में आपको जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है पैन कार्ड के अंदर वो अपन को देनी पड़ेगी, देन इसके बाद में जो आपके मोबाइल नंबर है वो अपन को देना पड़ेगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सबमिट कर लेता हूँ, सबसे पहले मैं जाता हूँ यहाँ पे जो मेरा पैन कार्ड है उसके जो भी नंबर है उसको यहाँ से सबसे पहले मैं कर लेता हूँ कॉपी। तो यहाँ से मैं जो भी मेरा पैन कार्ड है इसके जो भी नंबर है यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, देन यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने बाद जैसे कि मेरा पैन कार्ड है वहाँ पे जो भी नेम है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना, जैसा आपके पैन कार्ड के अंदर नेम है उस टाइप से सेम आपको यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। तो जल्दी जल्दी यहाँ से मैं कर लेता हूँ इसको टाइप, ओके। तो आपको भी इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो ये लो, ये हो गया अपना काम। यहाँ ये चीज़ नेम डालने के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो वो आपको कर लेना है सिलेक्ट। तो यहाँ से मैं कर लेता हूँ सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में जैसे कि मेरा DOB है यहाँ से ये मैंने कर लिया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद में ये कर लिया मैंने, देन इसके बाद में ये मैंने कर लिया। इसके बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका मोबाइल नंबर जो कि आपने पैन कार्ड के अंदर दे के रखा है वो नंबर आपको यहाँ पर टाइप कर दें। तो यहाँ से मैंने कर दिया क्लिक। क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे कंटिन्यू का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे कंटिन्यू के ऊपर आपको कर देना क्लिक। कंटिन्यू के ऊपर जैसे आप क्लिक कर देते हो थोड़ा सा अपन को वेट करना पड़ेगा, वेट करने के बाद में आपके पास में OTP रिसीव होगा जो कि आपने पैन कार्ड के अंदर जो आपने नंबर दे के रखे। तो फिलहाल जो भी OTP था मेरे पास में रिसीव हो चुका है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो भी OTP है वो यहाँ पे मैं टाइप कर दूँ, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे OTP मैं रिसीव करता हूँ यहाँ से, जैसे कि ये वाला OTP मेरे पास में आ चुका है एंड ये मैंने कर दिया टाइप। टाइप करने के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको अपन को कर देना पहली डेट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो अपन को कर देना है यहाँ पे क्लिक। जैसे आप क्लिक कर देते हो, जैसे कि मान लीजिए अगर आपका पैन कार्ड आप एक्टिव है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पैन इज एक्टिव एंड डिटेल्स आर यू आर पैन, यानी जो आपका पैन कार्ड है वो एकदम ओके है, यानी आपके पैन कार्ड के अंदर कोई भी गलती नहीं है। बस सबसे पहले अपन को ये चीज़ पता करनी है, अगर मान लीजिए आपका पैन कार्ड एक्टिव नहीं होगा तो यार आधार कार्ड से तो आप कैसे लिंक कर पाओगे। तो सबसे पहले ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। तो अपन अब बात कर लेते कि अपन को कैसे पता करना है कि आपका पैन कार्ड है आपके आधार से लिंक है फिर नहीं है। तो इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, जैसे ये वाले प्रोसेस हो चुकी है तो आपको यहाँ पे ये वाला लोगो दिख जाएगा, ठीक है, या फिर आप उस वेबसाइट के ऊपर भी वापस आ सकते हो। इस लोगो के ऊपर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो ये वाली जो वेबसाइट है वो रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो अपन को अभी यहाँ से अपन को ये चीज़ पता करना पड़ेगा, लिंक आधार कार्ड स्टेटस, ठीक है। तो अपन को ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, अच्छी तरीके से आपको देख लेना लिंक आधार स्टेटस। तो अपन को यहाँ पे क्लिक कर देना है।
जैसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो फिर से लोडिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अपन को वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद में क्या करना पड़ेगा, वेट ही करना पड़ेगा। तो इतनी देर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, ताकि यार आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो में डालता रहूँ। तो यार आपको पता सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा नीड है। तो देखो इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा अपन को। अब यहाँ पे अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो आपका पैन कार्ड के नंबर है वो अपन को टाइप करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिंक आधार स्टेटस, तो अपन को ये चीज़ पता करना है कि भाई पैन कार्ड आधार से लिंक है नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पैन कार्ड के नंबर अपन को सबमिट करना पड़ेगा। तो जो भी मेरा पैन कार्ड नंबर है वो यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी, ठीक है। तो वापस से यहाँ से मैं कर लेता हूँ कॉपी एंड ये लो यहाँ से हो गया कॉपी। कॉपी करने के बाद में वापस जाता हूँ इस वेबसाइट के ऊपर, देन यहाँ से पैन कार्ड को मैं यहाँ से कर लेता हूँ पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में आपको आधार नंबर की भी जरूरत पड़ेगी, जो आपका आधार नंबर है उसको भी आपको कर लेना कॉपी। तो यहाँ से मैंने कर लिया कॉपी, देन इसके बाद में आधार कार्ड यहाँ से मैंने कर लिया पेस्ट। पेस्ट करने के बाद में आपको सिंपल से अपन को क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा व्यू लिंक आधार स्टेटस, तो बस आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक कर देना। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि योर पैन एंड ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार कार्ड, यानी मेरा पैन कार्ड मेरे आधार से ऑलरेडी लिंक है। अगर लिंक है तो आपको ये वाला देखने को मिल जाएगा, अगर लिंक नहीं है तो यहाँ पे नॉट लिंक का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइज आप इस तरीके से पता कर सकते हो कि आपका पैन कार्ड आपके आधार से लिंक है फिर नहीं है, एंड आप अपने मोबाइल से पता कर सकते हो और आपको कहीं पर जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि यार मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाऊँ कि पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। इसके ऊपर भी एकदम प्रॉपर वीडियो में ला दूंगा, ताकि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। तो फिलहाल आज का ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड वीडियो को शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के पास में। एंड चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो में डालता रहता हूँ। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं करा तो भाई को फॉलो कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी एंड यूजर नेम भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर।